जी नाज़रीन, हवाले हज़ार के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाप आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम मौजूद हैं पाइन सिटी हरिपुर में। तो यहाँ पर भी जो है कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के एक फैमिली गाला जो है मनाया जा रहा है। पाइन सिटी में हम मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आई हुई फैमिलीज़ हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पाइन सिटी में हमारे साथ ओनर भी उनके मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज जो यहाँ पर जो है उन्होंने फैमिली गाला रखा है, तो क्या आया कस्टमर के लिए, क्या उन्होंने जो है यहाँ पर आज डिस्काउंट किया या कुछ किया, उनसे पूछेंगे कि इसका मकसद और पाइन सिटी में जो मना रहे हैं उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाइन सिटी के सीईओ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? गुलाम मुर्तजा तनोली, साबका डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम मानसरा। सर तो पाइन सिटी आपने शुरू की? जी जी जी। तो क्या कहते हैं पाइन सिटी के हवाले से, यहाँ पर जो पाइन सिटी में जो सहूलियात हैं जो कस्टमर्स के लिए आप यहाँ देना चाहते हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह के आपने देखा होगा कि अजारे के अंदर खासकर लैंड में सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी कोई नहीं है और इसका रिवाज ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर कोई आदमी मकान ये प्लाट लेना चाहता है तो वो नक कीमत अदा करेगा किसी को, तो तब वो देंगे। वाज ये सोसाइटी है जिसमें हमने गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए और बाकी आम गरीब आदमी के लिए ये वाजे रखे कि वो नक पे अगर नहीं ले सकता तो कम कम उसको हमने किस्तों पर कि कम से कम 2-4 साल के बाद हर आदमी जिसकी ख्वाहिश है वो अपने लिए एक प्लाट का मालिक बन सके। और वाज ये अदारे के मसले के जिसमें हमने किस्तों वाला सिलसिला शुरू किया है। तो पाइन सिटी में क्या सहूलियात देने जा रहे हैं, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है, नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? सर यहाँ आप अगर पूरा सर्वे करें अजारे का, हमारे इधर 12-14 फुट से ज़्यादा कोई गली नहीं छोड़ता। आपने ये मेन रोड देखा होगा, ये हमारा 40 फुट का रोड है जी। ये एक हमने 30 फुट का रोड दिया हुआ है ब्लॉक, और सबसे कम जो हमारा जो रोड है वो 20 फुट का है, और उसके अंदर ड्रेन सिस्टम हमारा सारा है, बिजली, पानी, सुई गैस, पार्क, मस्जिद, स्कूल, जो भी सहूलतें होती हैं। और एक सोसाइटी से हट कर अगर कोई आदमी प्लाट लेते हैं तो उसको मसले के ये सहूलतें उधर नहीं मिलेंगी। यहाँ खुले रोड हैं, खुली हवा है। आपने देखो कि हमने 11% सिर्फ ग्रीन एरिया इधर छोड़े कि ये चीड़ के ये आपको दरख्त लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है, मतलब ग्राउंड के अलावा और क्या क्या फैसिलिटी है? पार्क हैं दो, मस्जिद है, स्कूल के लिए जगह है, डिस्पेंसरी के लिए देंगे, कब्रिस्तान के लिए देंगे। ये आप जो दाम देख रहे हैं कमर्शियल मार्केट बन रही है, और खुले रोड हैं, पानी, गैस, बिजली, जो सारी सहूलतों के साथ। तो आपने हरिपुर क्यों चूज़ किया इसके लिए, मतलब क्या वजह थी आपने, जब जैसे आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी ग्रीनरी है, बड़ी ग्रीन जगह चूज़ की, तो वजह क्या थी इस हरिपुर को चूज़ करने की? वजह यह है कि मेरा खुद आपका तालुक मानसरा से, मानसरा डिस्ट्रिक्ट। तो हरिपुर क्यों चूज़ किया? हरिपुर इसलिए चूज़ किया कि हमारे अजारे के अंदर, मैं आपको मैं हरिपुर या मानसरा की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटीज़ का रिवाज नहीं है। ये मेरे ख्याल से दूसरी सोसाइटी है जो बाकायदा TMA से गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। अब जहाँ सोसाइटी का रिवाज नहीं है वहाँ तो मसलन कोई भी बंदा मसलन ज़मीन लेकर छोटे छोटे प्लाट करके गलियाँ बनाकर लोगों को प्लाट तो बेच देता था, लेकिन ये सहूलतें नहीं होती थी। दूसरी सहूलतें ये कि किस्तों में उधर प्लाट नहीं मिलते थे। हरिपुर का इसलिए किया कि हरिपुर हमारे पास वह जगह है कि जिसमें बहुत बड़ी मसलें तकरीबन 4,000 के लगभग मसलें हमारे पास इधर फैक्ट्री कारखाने अतार में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट है इधर। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन के हवाले से तकरीबन 10 यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ कैंपस चल रहे हैं यहाँ पे हरिपुर में। कोई गरीब आदमी भी अगर कोई बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं वो हरिपुर में बेरहकर वो उसको रोज़गार भी मिल सकता है और वो अपने बच्चों को तालीम भी दिला सकते हैं कि सारी यूनिवर्सिटियों के कैंपस हैं। फिर आपने देखा होगा कि आगे हवेलियाँ में ड्राई पोर्ट बन रहा है। फिर आप मोटर वे देख रहे हैं कि मसले के यहाँ से हमसे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर, मतलब गेटवे, ये बिल्कुल हजारे का गेटवे, हजारे का गेटवे है। मतलब आपने जगह ऐसी चूज़ किए, देखा जाए बिल्कुल नाज़रीन, ये जैसे बात की मुर्तजा साहब ने कि यहाँ पर जो अभी सोसाइटी जो बन रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल मोटरवे के इंटरचेंज जारी का इसके बिल्कुल करीब है, तो और मेन GT रोड के बिल्कुल किनारे पे। अच्छा, इस तरह बताएं नाज़रीन को जो अक्सात और जो नग लेना चाहे उसके लिए क्या क्या प्लान है? उसके लिए हमने ये किया कि हमारे पास जो मसले है कि जो 20 फुट रोड पर 5 मरले का जो प्लाट है वह अगर कोई आदमी नग पे लेता है वो हम उसको 12 लाख रुपए में देते हैं। अगर वो 2 साल की एक साथ में लेता है तो वो उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट 14 लाख रुपए में मिल जाता है, और अगर 1 साल में देता है तो वो उसको 13 लाख रुपए में हम देते हैं। अगर वो 6 महीने के बाद पे करते हैं तो वो उसको 12 के बजाय 12.5 का पड़ेगा। अभी हमने एक दूसरा सिलसिला शुरू किया है, उसमें हमने एक फेज 2 जो यहाँ शुरू किया है उसमें हमने 4 साल का टाइम रखे हुए। उसमें कोई बंदा भी प्लाट लेते हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपये हमारी बुकिंग है,
1,60,000 रुपये उसको डाउन पेमेंट है, 11,000 रुपये महीना किस्त है, और मेरे ख्याल से 4 साल में उसके प्लाट की कीमत अदा होगी। तो 11,000 रुपये कोई भी सरोसाल आदमी, हर आदमी देकर मसलन के 4 साल के बाद इंशाल्लाह अपने प्लाट का मालिक बन जाए। अच्छा मर्जा साहब, आज 6 सितंबर का दिन है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी आपके जो है यहाँ पर कस्टमर्स जो जिन्होंने प्लाट लिए हुए हैं वो आए हुए हैं, काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट आज के हवाले से है? आज के हवाले से अगर कोई बंदा आज प्लाट लेते हैं तो उसको हम मसलन 50,000 रुपये का इस वक्त उसको डिस्काउंट देते हैं 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर के हवाले से उसको 50,000 का डिस्काउंट देते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मर्जा साहब की बातें सुनी, और जैसा कि आज 6 सितंबर है और यहाँ पर काफ़ी जो है एक फैमिली गाला लगा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिंगर्स, ड्रामास और इस तरह मैजिक शोज़ और भी काफ़ी जो है फ़न के यहाँ पर प्रोग्राम जो हैं वो होने जा रहे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और आए हुए मेहमान हैं तो उनसे भी हम मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैर खैरियत। आपका नाम? मोहम्मद खान जी। अच्छा तो आप आए यहाँ पर पाइन सिटी में, तो आपके ताल्लुक किस जगह से? मैं मंसर से आया हूँ। तो क्या कहेंगे पाइन सिटी के हवाले से? पाइन सिटी वाले से ये कह रहा हूँ, पाइन सिटी ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ जो प्लाट ये जो मिलना है ये जगह है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई इसका रेवन्यू में जो एक वो जो है ना वो इनको पोजिशन और ओनरशिप दोनों देते हैं, बाकी ये किसी जगह पर नहीं है जो ये दे रहे हैं, तो इस लिहाज से क्योंकि यहाँ ना किसी झगड़े का या कोई लिटिगेशन का मसला ही नहीं है, तो इसलिए सब लोग ये कह रहे हैं। अभी मैं खड़ा था, एक फ़ोन कराची से आया कि मेरे लिए प्लाट बुक कर लें, आप कितने? मैंने कहा उधर। दूसरा ये हमारे जो भाई हैं चरम हैं ये मुर्तजा खान, इनके अपनी एक गुड रेल है, उस वजह से काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि 6 सितंबर के लिहाज से ये जो 50% डिस्काउंट दे रहे वो भी बहुत ज़्यादा, इसलिए एक जो मेन मोटरवे है ना उसके नज़दीक है, ये 10-15 मिनट का ड्राइव है। बिल्कुल मैन जी टी शहर रेशम के बिल्कुल नज़दीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे पाइन सिटी के हवाले? मेरा नाम जी रोशन जमान तनोली है, दरबान से मेरा तलक है। आज ये पाइन सिटी हरिपुर वालों ने ये 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम किया है, तो इसमें मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उन शहीनों का नाम लिया जाए कि जिन्होंने 6 सितंबर को बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मज़ारा किया था। तो दूसरी बात ये कि पाइन सिटी के हवाले से अक्सर मेरी चूँकि काफ़ी सारी उम्र हो गई है कि ये जो सोसाइटियाँ बनती हैं वहाँ पर झगड़ा हो जाता है, वहाँ पर जी नंबर खसरा कोई और होता है, जरा मौका कोई और होता है, वहाँ पर जी प्रॉब्लम होते हैं और लोग पैसे इकट्ठे करके चले जाते हैं। पाइन सिटी हरिपुर का जहाँ तक मैंने जी इनको देखा है, जी स्टडी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह के पाइन सिटी में इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से कोई ऐसा जरा प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसी एक जगह को दिखा कर उसको दूसरी जगह देंगे, उससे पैसे लेकर उसको कहेंगी कि जी ये जरा इंतकाल का प्रॉब्लम हो गया, ये यहाँ पर यानी कि कब्ज़ा माफिया वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है डरे होते हैं, डरे होते वो चीज़ डरे, मतलब आप ये कह रहे हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फैमिलीज बिल्कुल नज़र आई हुई हैं, तो बात भी की कहने की काफ़ी फैमिलीज जो हैं बिल्कुल यहाँ पर आ रही हैं, प्लाट बुकिंग हो रही है, तो मैं मज़ीद भी कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी लोकेशन मोटरवे इंटरचेंज के पास और शहर रेशम के पास और इतनी फैसिलिटी जो यहाँ पर है TMA से मंजूर शुदा, तो बिल्कुल आना चाहिए। इसमें दूसरी बात जी जी मैं ये जी गुजारिश करूं, क्योंकि ये इनके साथ जिनका शेर है गुलाम मुर्तजा तनोली साहब, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट नायब नाजम यानी साबिक डिस्ट्रिक्ट नायब जरा नाजम मानसेरा थे, और ये बड़ा आनेस्ट बंदा है, इसकी वजह से दरबान साइड के काफ़ी लोगों ने बुकिंग की है। ये जावेद साहब खड़ा है, ये जी रिश्ते में मेरा मैरिजर बन जाए, इसने अभी 2 जी प्लाट इधर से तो लोग भी यहाँ पर मानसेरा के लोग भी यहाँ तक मानसेरा से आगे यानी कि तहसील दरबंद से इस जी सिटी में तहसील दरबंद के बहुत सारे लोगों के प्लाट हैं, और वो यही जी वजह यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है प्लाटों का, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, किसी के रकम डूबने का खर्चा नहीं है, यहाँ पर जी कब्रिस्तान होगा, यहाँ पर ये सामने मार्केट बनी हुई है, यहाँ पर मस्जिद होगी, इसकी जो सिटी है इसकी सेफ्टी वाल होगी और निकासी का सिस्टम होगा, यानी यहाँ पर इंशाल्लाह किसी की एक पाई भी तमाम मौजूद है, एक जी पाई भी ज़ाया नहीं होती। ये जिस तरह आप अपनी जरा रकम को किसी बैंक में रखते हैं, और मैं तमाम नाजरीन से ये जी गुजारिश करूँगा, अगर कोई प्लाट लेना हो
तो वो हरिपुर ग्रीन अपना पाइन सिटी जर हरिपुर में लें कि आपकी रकम भी महफूज होगी और कल लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। अक्सर ये होता है कि जहाँ पर सोसाइटियाँ बनती हैं वहाँ पर कत्ल वारत होता है, वहाँ पर खून जी खराबा होता है। इंशाल्लाह ये यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बहुत मेहरबानी जी। मोहम्मद सदीक टनोली मेरा नाम है जनाब। तो ये मुर्तज़ा टनोली साहब हैं। आज 6 सितंबर के हवाले से हम पाइन सिटी में खड़े हैं जो कि बरलपे जीटी रोड बिल्कुल मेन जीटी रोड पे वाक़ है। और ये मेरे जामिया कराची के ज़माने के मेरे क्लास फेलो भी हैं और इनका जो सबका कैरियर है बहुत अच्छा है। माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम रह चुके हैं। तो ये पाइन सिटी के हवाले से जी, यहाँ पे कोई कब्ज़ा माफिया कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है और अल्लाह का शुक्र है। ये इन जहाँ पे जो लोग प्लाट ले रहे हैं उनको कोई माँ बेडर और बेखौफ आ सकते हैं इंशाल्लाह। मेरा जार जमान नाम है और हरिपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी खुशी हुई है 6 सितंबर के मौके पे इन्होंने फैमिली गाला प्रोग्राम शुरू किया है और ख़ास तौर पर ये जो CEO हैं पाइन सिटी हरिपुर के, इनके बड़े मशहूर हैं। इनका तलक चूँकि मानसेरा से है लेकिन इन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की और लोगों की सहूलत के लिए अपनी नौयत का ये वाहिद हाउसिंग मनसूबा है जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में लोगों को आला किस्म की सहूलियात दे रहा है। स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क, मस्जिद, ये बड़ी आला किस्म की ये अपनी तरफ से बना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जितने कस्टमर्स हैं प्लाट लेने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। और दूसरा ये है कि इन्होंने ख़ास तौर पर जो इंस्टॉलमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है एक आम गरीब बंदे की भी अप्रोच में है और जो कैश पेमेंट है उस पर भी इन्होंने डिस्काउंट किया है। और ख़ास तौर पर जो 6 सितंबर के हवाले से इन्होंने 50,000 रुपये डिस्काउंट किया है उससे बड़ी खुशी हुई है लोगों के अंदर और बड़े खुशी लोग प्लाट भी बुकिंग करा रहे हैं। साजिद शाह नाम है मेरा जी, हरिपुर के रहने वाला हूँ, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हूँ। तो मैं इसे सोसाइटी पे पहली दफ़ा आया, जो देख के बड़ी खुशी हुई है कि दूसरे ज़िले के आदमी आके साथ इन्वेस्टमेंट की है। अस इन्हों का ही मशहूर हाँ और इतने आके भी इन्हों का सिस्टम निज़ाम देखिए सारिया सहूलत बेचन। तो अस आप भी इस गल के ख्वाहिशमंद आज इन गलबात कर सी इंशाल्लाह एक प्लाट असा भी खरीद सा और भी संगे यार कर सा इन्हों की तरह हौसला अफजाई हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद एक्स मेंबर विलेज कौंसल शाह मोहम्मद। माशाल्लाह इना बहुत अच्छा सेटअप पूरा है, असा पसंद आया तो इंशाल्लाह से अपने दोस्तों भी आगाह कर सा, खुद भी थे इन्वेस्टमेंट कर सा इंशाल्लाह। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद जावेद टनोलिया, मैं डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाजम साहब मेरे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा है इन्होंने सेटअप किया हुआ है। आज की तारीख में मैंने भी एक इनसे 10 मरले का प्लाट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप सेटिस्फाई हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है कस्टमर जो हमारी फैमिली या जो हरिपुर के रहने वाले हज़ारा के रहने वाले क्या पैगाम देंगे? ये तो उनके लिए बहुत अच्छा सेटअप है ये, अगर वो लेना चाहें तो इधर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सारा गली, पार्किंग, अस्पताल, स्कूल, इन सब चीज़ें इधर इसके अंदर मौजूद है। साढ़े भरा जो मनसेरे तो इतने आए हैं, अस वेलकम आखने बहुत अच्छा एक अच्छी इन्हें एक सोसाइटी बनाई है जिस बिच सारियां तकरीबन सहूलियात जो मयसर ने। असा तो खास तौर पर हरिपुर का शहर जो है उस ज़्यादातर लोग जो जरूरियात भी है, तो मैं उन्हें आखसा इतने आओ, आके अपना विजिट करो और इतने इंशाल्लाह हर तरह कोई इतने प्रॉब्लम इंशाल्लाह कोई ना हो, हर तरह की सहूलियात मयसर से सही सड़ा पैगाम। मैं समझता हूँ जी, मुर्तज़ा टनोली साहब ने यहाँ पे जो ये सोसाइटी का क्याम अमल में लाया ये बहुत अच्छी एक बात है। और हरिपुर में वैसे भी इस वक्त शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लोड है, मैं समझता हूँ लोगों को जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे आके वो ये इन्वेस्टमेंट भी करें और फिर उसके साथ साथ ये जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इनकी तरफ से उसको अवेल करें। यहाँ पर आप देखें सारी सहूलियात मौजूद हैं, जो एक अच्छे से सोसाइटी जो क्याम में आती है उसमें जो आपको सहूलियात की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक हरिपुर के लोगों के लिए
ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो तनोली साहब ने दी है और लोगों को इसको अवेल करना चाहिए। और साथ साथ ये अक्सर गायब गाय ये अभी देखें जिस तरह आज फेस्टिवल है इन्होंने, इसमें पूरा मतलब वो जेंडर बैलेंस भी है, ख्वातीन को बराबर जो है ये मौका देते हैं और साथ साथ जो है मेल को, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। थैंक यू जी। नाज़रीन जिस तरह के आपने यहाँ पर कुछ आए हुए गेस्ट थे उनकी राय आपने सुनी पाइन सिटी के हवाले से, जिस तरह यहाँ पर सहूलियात की बात की, अक्साद की जो जैसे नक जो जिस हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे जो भी दे रहे हैं प्लाट उनकी बात हमने ओनर से भी आप हमने की, तो इसके साथ साथ आज 6 सितंबर के हवाले से यहाँ पर जो जो फैमिली गाला होने जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामाज शोज़ हो रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे और फैमिलीज जो आई हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, हमारे साथ रहिएगा। जी जी नाज़रीन जिस वक्त हमारे साथ कुछ क्लाइंट मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर पाइन सिटी में प्लाट लिए हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं जो कि आज फैमिली गाला में भी आए हुए हैं, तो उनके पाइन सिटी के हवाले से क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? डॉक्टर जहांगीर। अच्छा डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं लोकल हूँ। लोकल हैं जी, जी। तो आपने पाइन सिटी में प्लाट लिया? जी बिल्कुल लिया जी। तो क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन? देखें यहाँ पर हरिपुर पूरे में चूँकि मैं लोकल हूँ तो मुझे पूरे इसका अंदाज़ा है। यहाँ पर एक आध सोसाइटी है जहाँ पर आप लीज़ पे भी मिलते हैं इस क्वालिटी का, अगर प्लाट आप देखें तो लीज़ पे और बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। अब लीज़ की ज़मीन लेने से बेहतर एक जगह जहाँ पर फिक्स हमारे पास जगह मौजूद है, एसेट मौजूद है, यहाँ पर लिया जाए, फिर स्पेशली सरकारी मुलाजमीन या दूसरे लोग जो किस्तों पर लेते हैं उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हरिपुर में ऐसी गली नहीं मिल रही मुझे। मतलब यही बात, यहाँ पर और सोसाइटीज़ भी बहुत बन रही हैं, तो इस पाइन सिटी को चूज़ करने का क्या? देखिए मैंने सबको विजिट किया, जब बंदा कोई चीज़ खरीदता है तो सबको विजिट करता है, वो उसके प्लस एंड माइनस देख रहा होता है, तो बाकियों का मैं देखा तो वहाँ पर उन्होंने एक कंजेस्टर से मेरे एक बड़ा रोड बना दिया और उसके बाद जो है तो अंदर छोटी छोटी गली है, मुझे जहाँ पर रहना है मैंने उस गली से मेरा मतलब है, मुझे रोड आप पाइन सिटी दे दें। पाइन सिटी की जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, जो गलियाँ जैसे कह रहे हैं सीवरेज का निज़ाम कह रहे हैं, उससे आप मुतमईन हैं? देखें टाइमली हमारा हैंड ओवर हुआ, मुझे कहते हैं ठीक है आपने प्लाट लिया और आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, बिजली मेरे अच्छा आपने शुरू कर दी, ठीक है तो हमने कहा ठीक है जी हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो 6 सितंबर के हवाले से क्या करें? 6 सितंबर एक बड़ा बेहतरीन दिन है, यादगार दिन है, ठीक है जी, और पूरी कौम के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर पहली दफ़ा ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिस पे हमें ये एक नेशनलिज्म जो है हमारे अंदर वो उभर के ज़्यादा सामने आ रहा है, तो ऐसे इनिशिएटिव बाकी तारों को भी लेने चाहिए, लेकिन अच्छा है कि इन्होंने माशाल्लाह हरिपुर में ये एक्टिविटी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप यहाँ पर आए हैं आज 6 सितंबर के हवाले से फैमिली गाला है, तो पाइन सिटी के हवाले से आप यहाँ पर सिर्फ फंक्शन देखने आए या प्लाट भी लिए? जी हमने प्लॉट भी लिया, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस दिन यौम दिफा के लिए एक खराज तहसीन उन शहीदों के लिए पेश करना चाहूँगी जो 1965 की जंग में शहीद हुए थे, और हमने भी यहाँ पे प्लॉट लिया है, इन्वेस्टमेंट की भी है, और बाकी लोगों को भी आना चाहिए, अच्छी एक सोसाइटी है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट की जा सकती है यहाँ पर, इसी हवाले से आज यहाँ पर फैमिली फन गाला हो रहा है, इन्जॉयमेंट है बहुत कुछ यहाँ पर, इन्होंने बहुत कुछ लगाया गया है ताकि लोग इंजॉय करें इस मूवमेंट को, और बहुत मज़ा आ रहा है आजकल। तो यहाँ पर आपने जो कह रहे हैं प्लाट लिए है, तो आपका जो है यहाँ पर और दोस्तों को आपने देखा, यहाँ पे माहौल देखा, तो यहीं पे क्यों लिए? और सोसाइटीज़ भी हैं तो यहाँ पर क्यों पाइन सिटी में क्यों आए? जहाँ पे एक सुकून है, मतलब हमें अच्छा लगा था, हम लोग ने यहाँ पे विज़िट किया, हमें विज़िट करवाया गया यहाँ के हम क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ भी बात की जाती है, सबको अच्छा बिहेव किया जाता है, इसलिए हमने भी हमें यहाँ पर अच्छा लगा, एक सारी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद थी, गैस बिजली पानी सब कुछ था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब मर्द खातिन जो भी आए सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं डायरेक्टर पाइन सिटी
ब्रिगेडियर रिटायर जुल्फकार बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर मेहमानों को वेलकम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पॉइंट सिटी की तरफ से ना मोजस मेहमान खुसूसी मोहम्मद आजम खान सवाती साहब वफाकी वजीर ब्राइन और कोटिक्स को खुश आमदेद कहता हूँ। ये हमारी छोटी सी स्कीम है और हम लोगों ने एक हल्का सा प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफ याद के बावजूद वक्त निकाल कर यहाँ तक आए। मैं ब्रिगेडियर जुल्फिकार बुखारी साहब का, जनाब फैसल साहब का, मुर्तजा तनोली साहब का और आप सब का और अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान खासकर 6 सितंबर के हिसाब से जो कुर्बानियाँ हमारे सपूतों ने, हमारे बेटियों ने, हमारे बेटों ने इस मुल्क के लिए पेश की, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, वो हमारी एहसास। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शहदा को, उन गाजियों को कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे इस दीन की अफरोग के लिए और हमारे इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। मैं उनकी माओं को, उनकी बेटियों को, उनके वालिदैन को अपनी अकीदत का सलाम पेश करता हूँ कि 6 सितंबर के अंदर मुल्क के लिए उनके खून का नजराना, उनकी जफाकशी का, उनकी बहादुरी का नजराना एक मुंह बोलता हुआ इस कौम की तारीख है। के दोस्त इनकी सरबराई कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की दूसरी सोसाइटियाँ हैं जिसमें कोई अच्छा काम नहीं और बहुत सारी अच्छी सोसाइटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे यकीन है कि कम से कम मेरे आने से मुझे ये बताया गया कि आपने जिस तरीके से प्लाट की तकसीम की, जिस तरीके से उसकी बुकिंग की, तो मुझे फख्र है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे दयानतदार ताजर मौजूद हैं, काम करने वाले मौजूद हैं कि जो कानूनी, अखलाकी और दीनी असलूब को सामने रखते हुए लोगों की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ जिसकी वजह से जो है मैंने यहाँ आना कबूल किया, और ना मैं ये नहीं कि मैं फख्र से आता हूँ, बल्कि मैं इंसान बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जब एक ताजर अपनी दयानतदारी से, हलाल की कमाई से वो मेहनत करता है, लोगों की खिदमत करता है। तो इस लिहाज से मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने जो है यह आना कबूल किया, वरना यह है कि जहाँ पे तिजारत होती है हम उनके मावन तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ अमूमन नहीं जाते कि उससे कम अज़ कम गलत असर जो है ये पैदा ना हो। हरिपुर पूरा ये डबियन जो है, हज़ारा डबियन, ये मेरी पैदाइश की जगह है, मेरी पहचान है और इस्लामाबाद में मैं हज़ारा डबियन की वजह से जो है ये पहचाना जाता हूँ। वो तिजारत भी ज़्यादा हो, मुल्क के अंदर जो है वो नौकरियाँ भी पैदा हों, अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई तो कम अज़ कम प्राइवेट नौकरी इन लोगों की वजह से आगे बढ़ सकती है। मैं फिर मुर्तजा तनोली का, मेरे जितने तनावल के यहाँ पे बसने वाले हैं, हरिपुर के यहाँ के जो वासी हैं, इस जो सब डिवीजन बनाया हुआ है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसके बसने वाले हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरीके से मुझे जो है यहाँ पर इज्जत से मदऊ किया। मैं हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला इनके किसी काम आ सका कानूनी तौर पर तो मैं इनकी मुआवनत इंशाल्लाह ताला करूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। चले दी चादरी हर जो वसा कोई बिगाड़े ना, चले दी चादरी हर जो वसा कोई बिगाड़े ना, शर्मावे खतरावे अज की रात लिख पोवे, शर्मावे खतरावे
जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने आपको पाइन सिटी के हवाले से बताया, यहाँ पर जो तकरीब हुई 6 सितंबर के हवाले से, 6 सितंबर में जिस तरह के सन 1965 की जंग में जो हमारी पाक अफवाज के शहदा ने जो कुर्बानियाँ पेश की उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो इसी हवाले से जो है हमारा आज का 6 सितंबर का प्रोग्राम था जिसमें हम पाइन सिटी में मौजूद थे और पाइन सिटी के हवाले से भी आपको बताया, और इस तरह जो यहाँ पर फैमिली गाला हुआ उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे क्विज़ और वो भी हम दिखाए। मैं यकीन करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आएगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा जो है आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।